दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज किसान कल्याण निधि के तहत 200 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाला है। उन्होंने अतिवर्षा फसल बीमा की राशि के बारे में भी जानकारी दी है, किसान कर्ज माफी के बारे में भी जानकारी दी है, गरीबों के बारे में कहा है, बेटियों के बारे में कहा है। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे किसान भाइयों, आज आपके खाते में फिर 400 करोड़ रुपया 20 लाख किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं, सिंगल क्लिक से डाल दिए। और सुनना मेरे बहनों और भाइयों, 400 करोड़ अभी डाले, फरवरी में 400 करोड़ फिर डालूंगा और मार्च में फिर 400 करोड़ डालूंगा। अरे बर्थडे क्या इकट्ठे कर दूंगा, चिंता काय को करते हो। 2019 की फसल बीमा योजना के पैसा भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जमा नहीं किए, वो भी प्रीमियम जमा करके 4,600 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में पहुंचाए। और मुझे कहते हो खुशी है, अभी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में पहुंचाने का काम आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। फसलें खराब हुई, पिछले बार भी खराब हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी, आज किसान की याद आ रही है। एक पैसा दिया कमलनाथ ने, आरबीसी के नियमों के अंतर्गत अतिवर्षा के कारण, बाढ़ के कारण जो फसलें खराब हुई थी उस फसल का पैसा खा गए, फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं मेरे किसान भाइयों, 3,700 करोड़ रुपया, 3,700 करोड़ रुपया पिछले महीने मैंने डाले, 1,600 करोड़ रुपया किसानों के खाते में, 1,685 करोड़ रुपया, और बाकी अगली किस्त फिर किसानों के खाते में राहत की राशि की जाएगी। राहत की राशि के भी 4,700 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आएंगे, चिंता मत करना, शिवराज सिंह चौहान बाई बाई देगा। हम राहत की राशि का पैसा भी देंगे, बताओ देना चाहिए था कि नहीं? अरे बताओ देना चाहिए कि नहीं? अब कांग्रेस का कमलनाथ दादा तो खा गए थे। और केवल फसल, केवल ये राहत की राशि नहीं, इस राहत की राशि के अलावा जिनकी फसलें खराब हुई, चाहे बुंदेलखंड में फसल खराब हुई हो, चाहे मध्य प्रदेश के और किसी हिस्से में, किसी जिले में फसल खराब हुई हो, किसान भाइयों फसल बीमा योजना का पैसा भी आपके खाते में फिर से डाला जाएगा, फिर से डाला जाएगा। अब कांग्रेस के जमाने में तो बैंकों में लाइनें लगनी खत्म हो गई थी, बताओ कमलनाथ के जमाने में बैंकों में किसानों की लाइन लगती थी क्या? अरे हाथ हिला के नहीं, जोर से बताओ, लगती थी क्या? लाइन ही खत्म हो गई थी, पैसा डलता ही नहीं था। अब ये राहत की राशि का भी डलेगा, फसल बीमा योजना का भी डलेगा, हॉर्टिकल्चर की फसल का जो नुकसान हुआ था 100 करोड़ रुपया उसके अलग से डाले। 78 लाख किसानों की सूची बनी मेरे किसान भाइयों, 78 लाख किसानों की सूची जो हमने केंद्र सरकार को, मोदी जी को भेजी। लेकिन जब वो सूची 6,000 रुपया की हम भेज रहे थे, तब मेरे दिल में ये विचार आया कि शिवराज मोदी जी 6 दे रहे हैं रे, तू भी तो चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी डाल दे। तो हमने तभी तत्काल फैसला किया कि 6,000 में 4,000 और मिलाएंगे और 10,000 रुपया हर साल किसान को दिया जाएगा। और सब किसानों, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसानों में काय का भेद। सुनो मेरे किसान भाइयों, ये राशि चाहे एक एकड़ जमीन हो, चाहे आधा एकड़ जमीन हो, चाहे पौने एकड़ जमीन हो, चाहे 10 एकड़ जमीन हो, हर किसान के खाते में डाली जाएगी। और एक एक का नंबर आता जा रहा है,
20 लाख के खाते में आज डली, फिर 20 लाख के खाते में अगले महीने डालेगी, फिर 20 लाख के खाते में फिर अगले महीने डालेगी। हर साल दो बार ये राशि हर किसान के खाते में आएगी, मामा डालता जाएगा ताकि किसान को कोई तकलीफ और कठिनाई ना हो। और अभी तो कोरोना की कड़की है, मुश्किल से निकल रहे हैं, ये खत्म हो जाने दो और भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कोरोना की कड़की में अलग अलग योजनाओं के तहत 85,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो बात करते थे कर्जा माफी की, कुल की 6,000 की कर्जा माफी, 6,000 करोड़ की, उसमें से भी आधे नहीं दिए, आधे दादा खाई गए, आधे सोसाइटियों के पल्ले छोड़ दिए। किसान को मिला क्या? केवल झूठ बोले, धोखा दिया, उल्टे ब्याज की गठरी और किसान के सर पर लाद दी। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, जो ब्याज की गठरी कर्जा माफी के कारण रेगुलर डिफॉल्टर हो गए थे, कमलनाथ ने जो ब्याज की गठिया ला दी है, उस ब्याज की गठिया को भी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। किसान भाइयों, अब फिर से बेटियों की शादी शुरू होगी। हमारा हर कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो बेटियों के पूजन के साथ प्रारंभ होता है। बेटियां देवियां हैं, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। यहाँ कलेक्टर हैं, कितने नाम जुड़े सागर जिले में? 40,000 नाम जुड़े। और आज मेरा नेतृत्व यहाँ मंच पे बैठा है, कोई रह गए हो यहाँ चाहे पूरे प्रदेश में, चिंता मत करना, कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहने दिया जाएगा, सबको 1 रुपया किलो गेहूं खिलाया जाएगा। आज आपको फिर से जानकारी दे रहा हूं, जिसका कार्ड नहीं बना हो बन जाए, 5 लाख रुपए तक का गरीब का इलाज सरकारी में नहीं केवल प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में किया जाएगा, साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज। बताओ भैया, अगर बीमार हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पास पैसे नहीं होते तो गरीब कहाँ जाए, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना वरदान बन के आई है। 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवाए हमने, 2 करोड़। सागर जिले में कितने बने हैं भाई बताओ? अब देखना कोई छूट ना जाए, और कोई छूट गया हो तो ध्यान रखना ताकि गरीब का इलाज हो जाए। नरेंद्र मोदी मसीहा है, गरीबों के लिए जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने, आज तक किसी ने नहीं किया। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या दे दिया था राहुल गांधी ने? 10 दिन में कर्जा माफी का वादा करके, और उसके बाद भूल गए। उस समय तो गिन गिन के कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, बाद में खुद ही बदल गए और जनता ने कमलनाथ ही बदल दिए। अब खेती किसानी का काखा का जानते नहीं है, हर कुछ चिल्लाते रहते हैं, हर कुछ बकते रहते हैं। ऐसे लोग जो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाते, वो मोदी जी पर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज एक नहीं, अनेकों किसान योजना के माध्यम से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एग्रो इंफ्रा फंड के माध्यम से 7,500 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं, ताकि कोल्ड स्टोरेज और बियर हाउस की पूरी चैन मध्य प्रदेश की धरती पर हम बिछा दें। किसानों के उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, ताकि अकेला किसान नहीं, किसानों का समूह चीजें बेचे और ठीक दाम प्राप्त कर सके। हमारे राजस्व मंत्री यहाँ बैठे, गोविंद सिंह राजपूत, जितनी चीजें रेवेन्यू के मामले थे उसमें हमने क्रांति की है। अब जैसे आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, सुशासन के लिए मैं कह रहा हूं, तो हमने तय किया है अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी की नकल, अब आप मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 1-8-1 पे फोन करो, मोबाइल से अपना आधार नंबर डालो, और उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद
वो जो जानकारी मांगते फोन पर देने के बाद आपको बाट्स ऐप के माध्यम से खसरे की नकल आपके मोबाइल पे आ जाएगी और आप उसको निकाल के अपना काम कर लो, दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आय प्रमाण पत्र, ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इसके बारे में हम व्यवस्था कर रहे हैं। बताओ अगर ऐसा हो जाए कि दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, मोबाइल पे मिल जाए तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? जोर से बताओ, अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा। काय के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाए? एक और बड़ा फैसला हमने किया है और वो फैसला है स्वामित्व योजना। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। गांव में अपने पास जमीन है जिसपे मकान बने हैं, वो मकान आपके नाम है क्या? अरे मकान कोई के नाम है क्या? कोई के नाम नहीं है। उस मकान पर लोन ले सकते हैं क्या? कोई लोन नहीं ले सकते, उस मकान की कोई कीमत नहीं है। तो सुनो मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, अब गांव में हमारे पास जो मकान है उसका सर्वे करके स्वामित्व का अधिकार आपको दिया जाएगा। वो मकान वैधानिक रूप से आपका होगा और उसके बदले में आप चाहें तो बैंक से लोन भी उठा सकते हैं, उसका और उपयोग भी कर सकते हैं। स्वामित्व योजना, ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे किसानों को दे रही है, हमारे गरीबों को दे रही है, ताकि उस मकान की कोई वैल्यू हो सके। अभी अगर हमको लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी बैंक में जाने, एनओसी के लिए जाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आप चिंता मत करना, आपको एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। 31 से ज्यादा बैंकों को ऑनलाइन बंधक सुविधा से हमने जोड़ा है और किसान को केवल बैंक में आवेदन भर करना है। सारी प्रक्रिया बैंक अब ऑनलाइन करेंगे और आपको ऑनलाइन ही एनओसी मिल जाएगी, जाने की जरूरत नहीं है। अब जाने में हालत खराब हो जाती, काली मुंडी वाला जहां बैठा हो कब कलाकारी कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। नामांतरण और बंटवारा, पसीना आ जाता है नामांतरण में, कितनी दिक्कतें होती है। इसमें भी हमने अब तय किया है, कई दिनों तक मामले लंबित रहते थे, अब इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। दस्तावेज के पंजीयन के बाद पृथक से राजस्व न्यायालय में नामांतरण हेतु और कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप नामांतरण हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत ही नहीं। सीमांकन, जमीन अगर नपना है तो जरीब से नापते थे, कड़ी जरीब, अब उसकी जरूरत नहीं है। कोर्स करके तकनीकी आई है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके बहुत कम समय में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो लेके मेहनत पे घूमेंगे और जमीन का सीमांकन हो जाएगा, नपाने की जरूरत नहीं है, जरीब और कड़ी बिछाने की आवश्यकता नहीं है। फसल की भी खड़ी है तो भी आपका वो हो जाएगा। और एक काम और किया है, कलेक्टर कमिश्नर हैं बैठे, हर सप्ताह 2 दिन पटवारी को पटवारी हलका के मुख्यालय पर बैठना अनिवार्य कर दिया गया है। और एक बात और तक की है, ये आपको सुनिश्चित करना है, पटवारी अगर नहीं बैठे 2 दिन तो जिम्मेदारी पटवारी की नहीं होगी, कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, कार्रवाई सीधे कलेक्टर पर कर दी जाएगी, ये आपकी ड्यूटी है। बदलिया ढंग से देख लें, ये सुविधाएं जो रोज की चाहिए जरूरी, ये जरूरी है, इनके लिए जनता परेशान ना हो। सुशासन देना, अच्छा राज देना, ये हमारी जवाबदारी है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और किसान भाइयों, 41 लाख हेक्टर जमीन में अभी सिंचाई की व्यवस्था, 41 लाख हेक्टर में की कांग्रेस की सरकार थी तब केवल 7.5 लाख हेक्टर में होती थी, अब बढ़ा के 65 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मेरी बहनों निश्चिंत रहना, जैसे किसान के खाते में पैसे डाल रहा हूं,
हर महीने तुम्हारे समूह के खाते में 150 करोड़ रुपया डाले जा रहे हैं हर महीने। धीरे धीरे सभी स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण करके उनको मजबूत बनाएंगे। मेरा लक्ष्य है बहनों की आमदनी बढ़ाना। हर एक बहन अपने घर का काम करते हुए समूह से जुड़े और आजीविका के काम में लगे। मेरी बहनों, जो ठेकेदार सीते थे कपड़े खरीदते थे, वो सारी स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की ड्रेस अब कौन बनाएंगी? स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। बहन और बेटी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ऐसे कानून भी बनाए हैं। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत। मैं बेटियों की पूजा करता हूँ यहाँ, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। माँ बहन और बेटी की तरफ अगर गलत नजर से किसी ने देखा तो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आज मैं एक बार फिर उन किसानों को जिनके खाते में हमने 400 करोड़ रुपया डाले, उनको बधाई देता हूँ। 3 साल में इस मध्य प्रदेश को बदल के आपको दे देंगे, एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बना के आपके सामने खड़ा करेंगे। एक सूचना और दे रहा हूँ, 15 मार्च से चने की खरीदी भी शुरू हो जाएगी, गेहूं की खरीदी भी शुरू हो जाएगी, मसूर की भी शुरू हो जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे चना भी खरीदेंगे, सरसों भी खरीदेंगे, मसूर भी खरीदेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। जानकारियां पूरी पाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।